है दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और माधुरी ओरिजिनल फूड माधुरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रायता। ये देखिए बूंदी का रायता। ये मैंने इतना दही ले लिया है, देखिए कितना बढ़िया दही है, घर का ही जमा हुआ है। तो इसको इस तरह से अच्छे से फेंट लेते हैं रायता बनाने के लिए। ये देखिए इससे अच्छी तरह से आप फेंट लीजिए, क्योंकि मिक्सी में अगर इसे फेंटते हैं तो इसमें घी आ जाता है, इसलिए इसी से मेल्ट कर लेते हैं, या फिर आप मथनी से भी मथ सकते हैं। अच्छा बढ़िया टेस्टी रायता बनाने के लिए इसी तरह से मथें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए बढ़िया मेल्ट हो चुका है, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। तो ये देखिए मैं पानी डाल लेती हूँ इसमें फटाफट रायता बनाने के लिए, और ज़्यादा खट्टा भी ना हो। आज ही का दही है मेरा, मैंने रात में जमा दिया था मतलब, और रात में जमा हुआ दही आज मैं यूज कर रही हूँ, तो ये खट्टा भी नहीं है। ये देखिए बढ़िया हो गया है बढ़िया से, और थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है क्योंकि अभी इसमें बूंदी भी डालनी है। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब इसमें ये देखिए मैंने थोड़ी सी बूंदी ले ली थी, तो ये बूंदी एक कप बूंदी है, मैंने इसे धो लिया है अच्छे पानी से, और अब इसमें ये बूंदी डाल देते हैं। ये देखिए बूंदी डल गई है रायते में, फटाफट से रायता बना लेते हैं। और अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, तो सबसे पहले नमक डालते हैं इसमें, तो इसमें नमक डाल देंगे। ये देखिए एक चम्मच मैंने ये काला नमक लिया है वो डाल दिया है, और अब सफ़ेद नमक ले रही हूँ मैं, तो सफ़ेद नमक डाल देते हैं इसमें। अरे हाँ, अगर आपके पास सफ़ेद नमक की जगह अगर आपने हरा नमक पीस कर रखा हो तो आप वो डाल सकते हैं। हाँ मुझे याद आया, मैंने बढ़िया से हरा नमक ये देखिए पीस कर रखा था, हरा धनिया और मिर्ची का, तो मैं यही डालूंगी। ये डाल देती हूँ इसमें स्वाद अनुसार, बढ़िया से हरा हरी मिर्ची नहीं डालनी पड़ेगी, और हरे धनिया भी, दोनों चीज़ें डल चुकी हैं इसमें। और अब क्या करेंगे, अब इसमें डालते हैं और चीज़ें। तो ये देखिए ये थोड़ी सी मैंने आधी चम्मच लाल मिर्ची डाल दी, क्योंकि हरी मिर्ची पहले से डली है इसमें पिसी हुई। ये धनिया पाउडर डाल दिया, और अब बढ़िया से जीरे हींग और राई का हम तड़का लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए बढ़िया सब कुछ इसमें डल चुका है, अब इसे अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए कितने जल्दी फटाफट रायता बनके तैयार हो चुका है। जन्माष्टमी का अवसर है इसलिए बहुत सारी चीज़ें बनानी है मुझे, तो ये देखिए उसमें रायता भी ऐड हो चुका है, रायता भी बना लिया है मैंने। और अब मुझे खीर बनानी है, तो साबूदाने की खीर बनाएंगे फटाफट से। पहले इसमें तड़का लगा देंगे, तो ये देखिए ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इस तरह का देखिए कोई भी चम्मच या दिया वगैरह आप ले सकते हैं, मेरे घर पर ये है तो मैं ये छोटा सा चमचा ले रही हूँ। ये बघार लगाने का है, ये बघार लगाना बोलते हैं और तड़का लगाना भी बोलते हैं, आप जो भी आप समझें, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। चलिए तो इसमें तड़का लगाने के लिए गैस पर रखेंगे। ये देखिए गैस पर गैस जलाते हैं, और गैस पर ये चमचा रख देंगे आसानी से, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़रा सा ऑयल, बिल्कुल एक चम्मच। तो ये देखिए मैंने इसमें एक चम्मच ऑयल डाल दिया है, बिल्कुल सावधानी से आपको तड़का लगाना है। ये देखिए अभी गर्म हो रहा है, तो जब तक हींग ले लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी चुटकी भर हींग ले ली मैंने, ये देखिए हींग डाल दी इसमें, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो ये देखिए आधा चम्मच जीरा है,
और इसी में डाल लेते हैं राई। तो ये देखिए थोड़ी सी राई है और थोड़ा सा जीरा है, दोनों मैंने मिक्स कर लिए हैं। और अब इसे पकड़ लेंगे और इस तरह से इसमें दोनों चीज़ें डाल देंगे। बहुत ही सावधानी से आपको तड़का लगाना है, मतलब बगार लगाना है इसमें। ये देखिए इस तरह से हिला देना है और इसे हिलाएंगे और फटाफट से इसमें ये जो रायता रखा है इसमें हम ये तड़का लगा देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से लग गया, बिल्कुल सावधानी से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि जब भी इसमें ऐसा तड़का लगता है हींग जीरे का, तो रायता हो तो चाहे दाल हो, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए अपना फटाफट रायता तैयार हो चुका है। ये देखिए, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइए।